पॉलिटिशियन, क्रिमिनल, गैंगस्टर और 17 साल की उम्र में अपना पहला मर्डर करता है इलाहाबाद में। और ये पहला है एक ऐसा इंसान बनता है जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है यूपी में फर्स्ट टाइम। कौन था अतीक अहमद? पॉलिटिशियन, क्रिमिनल, गैंगस्टर और ना जाने क्या क्या। एक ऐसा इंसान जिसका बाप एक टाइम पे घोड़ा गाड़ी चलाता था, आज उस इंसान के पास 11,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति थी। एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर 160 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, जिसमें आईटी और गुंडागर्दी के केसेस थे, फिर भी वो हर बार इलेक्शंस में खड़ा होता था और कई बार तो वो जेल से भी इलेक्शंस लड़ चुका है और वो जीत भी चुका है, जिसके कारण वो 5 बार MLA बन चुका है और 1 बार MP भी बन चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जिस इंसान पर ये जिम्मेदारी थी कि उसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्राइम कम करना है और डेवलपमेंट की तरफ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके जाना है, वही सबसे बड़ा मेन रीज़न था क्राइम का उस एरिया के। और क्राइम की दुनिया में सबसे बड़ा नाम भी उसी इंसान का था। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे एक नॉर्मल से परिवार का, एक गरीब से परिवार का लड़का इतना बड़ा क्रिमिनल बन जाता है, जिसके कारण पूरा का पूरा यूपी उससे डरता था और सबसे ज़्यादा दबदबा उसका ही था पूरे यूपी। अतीक ने अपनी इस जुर्म की दुनिया की शुरुआत कोयले की चोरी से की थी। जब वो 8वीं में था तो उसने कोयला चोरी करके बेचना शुरू कर दिया था। हालांकि जब इस काम में उसे प्रॉफिट होने लग पड़ा तो वो अपने एरिया के और भी लड़कों को मिला के इस काम को बड़े पैमाने पे करने लग पड़ा था। और फिर आगे चल के 10वीं में फेल होने के बाद ये एक कम्प्लीट गैंगस्टर बनने के लिए तैयार था। जब ये आगे जाके 17 साल की उम्र में अपना पहला मर्डर करता है इलाहाबाद में, और ये पहला एक ऐसा इंसान बनता है जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है यूपी में फर्स्ट टाइम। गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद अतीक का बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, बट उसी टाइम कोई इसे बताता है कि अगर इसे बचना है तो चांद बाबा से मिलना चाहिए इसे। तो ये चांद बाबा से उस टाइम पे मिलता है। चांद बाबा उस टाइम यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर था और साथ ही साथ वो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था उस टाइम पे। तो चांद बाबा जब इसे मिलता है तो इसे बचाने के लिए वो दिल्ली फ़ोन करता है और किसी ना किसी तरह वो इसके ऊपर से गैंगस्टर एक्ट को हटवा के इसे रिहा करवा देता है। और इसी के साथ अतीक की ज़िंदगी में एक नई कहानी की शुरुआत होती है। ये चांद बाबा के साथ रह के पहले तो काफ़ी ज़्यादा काम सीखता है, जिसमें ये सीखता है कि कैसे चलते फिरते पेट्रोल बम बना के किसी के ऊपर फेंका जाए। और साथ ही में ये देखता है कि चांद बाबा उस टाइम पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, वो पॉलिटिक्स में घुसने की ट्राई कर रहा था, जिससे अतीक इतना तो समझ गया था कि पॉलिटिकल पावर उसे जुर्म की दुनिया में एक अलग लेवल पर लेके जा सकती है। पर कहते हैं ना, आस्तीन में अगर सांप पालोगे तो वो एक न एक दिन धंसेगा ही। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अतीक थोड़े टाइम बाद चांद बाबा से अलग हो जाता है, उसे बिट्रे कर देता है, उसे धोखा दे देता है। और आगे चल के 1989 में इलाहाबाद वेस्ट की सीट पर ही चांद बाबा के सामने इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। ये पॉइंट अतीक की ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि अगर वो यहाँ पर जीत जाता है तो वो ज़िंदगी में कुछ अलग मुकाम पर पहुँचने वाला था, और अगर यहाँ पर वो हार जाता है तो उसकी ज़िंदगी यहाँ पर ही ख़त्म होगी थी। बट कुछ अलग होता है मुकाबला, हालांकि दोनों में ख़तरनाक होता है, बट फिर भी चेला अपने गुरु को ही हरा देता है। और जीतने के बाद 1990 में अतीक अपने गुरु चांद बाबा का मर्डर करवा देता है, जिसके बाद अतीक को रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसके कारण इसका अपने एरिया में और भी ज़्यादा दबदबा बढ़ गया। अतीक ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इलेक्शंस लड़े, हालांकि कुछ इलेक्शंस उसने अकेले अपने बलबूते पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़े, हालांकि कुछ इलेक्शंस ऐसे भी थे जिसमें उसने कई पार्टीज के साथ मिलकर वो इलेक्शंस लड़े और जीते, जिसमें से कुछ पार्टीज हैं जैसे समाजवादी पार्टी, अपना दल, AIMIM। और जब इसे मारा जाता है तो ये AIMIM का लीडर था। हालांकि 2012 में जब अतीक अपना दल की तरफ से एक इलेक्शन लड़ रहा था तो तब ये जेल में था, और ये जेल से ही अपना नॉमिनेशन भरता है। और फिर नॉमिनेशन भरने के बाद ये वहाँ के हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अप्लाई करता है बेल के लिए। इसका आतंक इस लेवल पर था उस टाइम यूपी में कि 10 जज, एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 10 जज इसका केस सुनने से मना कर देते हैं, और जो 11वां जज इसका केस सुनता है वो इसे बेल दे देता है। 2004 में अतीक अहमद अपने एक ऑपोजिशन लीडर राजू पाल, जो पहले उसके साथ ही काम करता था, उसे मरवा देता है। इसके ऊपर FIR होती है और आज तक उसके ऊपर इस चीज़ का केस चल रहा था। हालांकि रिसेंटली अतीक अहमद का नाम वापिस सुनने को मिलता है जब उस केस के की विटनेस उमेश पाल का मर्डर होता है। फरवरी 2023 में उमेश पाल का शरेआम मर्डर कर दिया जाता है यूपी में, और जो उसके की एक्यूज थे वो थे असद, जो अतीक का बेटा है, अशरफ, जो अतीक का भाई है, और गुड्डू मुस्लिम, जो अतीक का गैंग का एक मेंबर है। इन तीनों की एक वीडियो लीक होती है जिसमें वो उमेश पाल को मारते हुए दिखते हैं। हालांकि इसके ऊपर उनके ऊपर केस रजिस्टर किया जाता है और आगे चल के असद का
एनकाउंटर हो जाता है, बट गुड्डू मुस्लिम अभी तक फरार था। और इसी के साथ अतीक का एक और केस में नाम जुड़ जाता है। 2019 में जब उमेश पाल की किडनैपिंग केस में अतीक अहमद का नाम आता है, तो अतीक अहमद को प्रयागराज जेल से शिफ्ट कर दिया जाता है साबरमती जेल, जो अहमदाबाद गुजरात में है। पर 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को इलाहाबाद हाईकोर्ट लाया जाता है एक हियरिंग के लिए, जिसके बाद इनको रात को मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाया जाता है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था कि इनका रोज़ मेडिकल चेकअप कराया जाए। तो जब ये मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे होते हैं, तो तीन अनजान आदमी आते हैं और पॉइंट ब्लैंक रेंज से इनको शूट करते हैं और अतीक और अशरफ दोनों की डेथ हो जाती है। हालांकि जब इन्हें लेके जा रहे होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए थे पुलिस वालों से। और हम काफ़ी लोगों को सुन रहे हैं जो बोल रहे हैं कि पुलिस ने बैकफायरिंग क्यों नहीं की उन तीनों लोगों के ऊपर, बट देखने वाली बात ये थी कि तीनों लोग जब इन दोनों को मार देते हैं तो वो सरेंडर कर देते हैं पुलिस को, तो पुलिस का बनता ही नहीं था उनके ऊपर बैकफायरिंग करना। और साथ ही में इस कहानी से एक चीज़ तो पक्का सीखने को मिलती है कि जैसी तुम्हारी करियर की शुरुआत या ज़िंदगी की शुरुआत होगी, वैसा ही तुम्हारा अंत होगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।